Hey, what's up you all? Welcome back to your favorite channel at Cheers Expression. And today's vlog is gonna be not special, or maybe special, but more horrifying, because I'm gonna share horror story, my personal experience with you guys. And ये thought मुझे क्यों आया, because कल मैं इसी जगह पे बैठी थी, mostly मैं इसी जगह पे मिलती हूँ तुम लोगों को in this lockdown. तो ये सारी बातें मैं बाद में बता सकती हूँ, बट पहले पीपल हु आर न्यू ऑन माय चैनल गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू डोंट नो हु एम आई, व्हाट डू आई डू, एंड फॉर ऑल दैट डिटेल्स गो एंड वॉच द क्लिप अहेड. It's 3rd of June and Mumbai is under high alert, red alert, because of the cyclone that you guys must be aware about, the Nisarg, jo Arabian Sea se nikal chuka hai and is approaching Mumbai. So ye jo climatic condition ho rakhi hai, ye bahut hi darauni hai bahar. So isi wajah se I thought ki yaar koi horror experience hi kyun na share kare, abhi ghar baithe baithe kya hi karna hai. So here I have a very personal experience of mine which is very horrifying. मैं तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ, उनके भी रोंगटे अभी तक जब भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो खड़े हो जाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो नाउ, लेट्स गो. एक्चुअली मानसून जब भी मुंबई में आता है बहुत ही रोमांटिक फील दे जाता है या बहुत ही फ्रेश फील दे जाता है, बट फॉर मी राइट नाउ दिस इज़ अ वेरी हॉरीफाइंग एक्सपीरियंस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग. बाहर बहुत ही हॉरीफाइंग सिचुएशन है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मतलब अकेले अगर यहाँ पर बैठूँ भी ना तो अच्छी फीलिंग नहीं आती है, कुछ तो बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, क्योंकि इट्स एंड मे बी बिकॉज ऑफ द न्यूज़ जो हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली और डरे जा रहे हैं, तो इसी वजह से भी ये एक चीज़ हो सकती है. बट बहुत शांति भी है बाहर, क्योंकि लोग भी नहीं निकल रहे थे कि जब द लॉकडाउन द होल कोरोना थिंग एंड स्टफ, तो इसी वजह से ये सारे वाइब्स मिलके मुझे ये वाइब निकलती है. आई डोंट नो इफ दिस इज़ ओनली मी और इवन यू गाइस आर फीलिंग द सेम थिंग, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी. तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए आप लोगों से. सो लेट्स गो बैक टू 2013. सो 2013 में आई विथ माई फ्रेंड्स, सारे गर्ल्स हम लोग थे, हम लोग गए थे यहाँ से औरंगाबाद, तभी हम लोग सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी में थे, एंड आई थिंक सो इट वॉज एंड ऑफ द मे जब हमारे एग्जाम्स ख़त्म हो गए और हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं दूसरी जगह सिटी रूटीन से जा रहे थे बिना पेरेंट्स के. सो हम लोग गए थे, हमारी टिकट्स हो चुकी थी, वी वेंट टू औरंगाबाद. लेट्स गो फास्ट फॉरवर्ड दिस थिंग. तो औरंगाबाद में हम लोग, मेरी फ्रेंड पिया है उसके नानी के घर पे ठहरे थे, एंड वो नानी हमें घुमाने वाले थे वहाँ पे, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी दिखानी थी वो सब. तो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस थोड़े एक दो दिन तक, बट चीज़ें शुरू होती है जब हम लोग गए थे लोनार सरोवर. तो मेरी दूसरी फ्रेंड है, उनके मामा ने हमें उनके घर पर खाना वाना खिलाया और उन्होंने हमें लोनार सरोवर घुमाया था. सो लोनार सरोवर आई थिंक सो तुम लोगों में से कोई ना कोई ज़रूर गया होगा कभी ना कभी, तो तुमको पता ही होगा. हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए, मेरे को अगर मिले तो आई विल पुट इट हियर समवेयर फॉर यू गाइस टू सी. पागल दिखते थे तभी हम लोग, ओके फैशन के नाम का एक भी नहीं पता था, बट हमें लगता था वाओ क्या फैशन कर रहे हम लोग. बट सॉरी फॉर सॉरी टू शी इज़ एक्सप्रेशन देन, यू वर सो आउट ऑफ फैशन एंड नॉट दैट ग्रेट लुक. ओके आई लुक एट दोज पिक्चर्स नाउ एंड आई जस्ट रिग्रेट व्हाट आई व्हाई डिड आई वेयर दिस थिंग. ये तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है. कट द क्रैप, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक.
तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे फोटोज खिंचवाए। फिर वो मामा ने हमें बोला कि अभी मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ वापस नानी के घर पे। सो ही हैड हिज कार, इनोवा थी, तो हम लोग उसमें बैठ के, ऑलमोस्ट 1 आवर का राइड था एंड ही लेफ्ट अस नानी। गाइस जस्ट सी द विंड, इट्स स्कैरी डूड। आई मीन जस्ट सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइज एंड इट्स केयरिंग मी अलॉट। आई डोंट नो तुम लोगों को ठीक से दिख भी रहा होगा या नहीं, बट आई थिंक सो दिस हैज स्टार्टेड। सो या अभी तक तो साइक्लोन आया भी नहीं है, बोल रहे हैं 1/2 आवर 1 आवर में आ जाएगा मुंबई में, फिर भी ये हालत है, इतनी स्कैरी सिचुएशन है। मैंने न्यूज़ पे जस्ट देखा अलीबाग में, तो बाप रे बाप, सारे इलेक्ट्रिक यू पोल्स एंड ऑल सब गिर पड़े, झाड़े गिर रही है। आई डोंट नो, इधर तो अभी इतना ज़्यादा हिल रहा है, आने के बाद क्या होने वाला है पता नहीं। उसके आगे मेरी अभी जस्ट मुझे मेरी भाभी, हू स्टेज ऑन द 5th फ्लोर, शी डिड अ वीडियो कॉल टू शो मी ऊपर से क्या नज़ारा दिख रहा है। तो सारा ऊपर से जो भी इधर से मैंने आपको दिखाया वो ऊपर से और भी ज़्यादा वर्स्ट दिख रहा है एंड स्कैरी लग रहा है। तो या इसीलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, विल गेट बैक टू द स्टोरी बैक नाउ। सो आफ्टर दैट 1 आवर का ड्राइव हम लोग पहुँच गए थे गांव में, नानी के घर पे। नानी का घर वो छोटू सा बस एकदम टिपिकल गांव वाला घर होता है, वैसे था औरंगाबाद में। तो हम लोग वहाँ पे रहे पहुँच गए एंड एज सून एज वी रीच देयर एंड मामा लेफ्ट, मामा निकल गए उनके घर पे जाने के लिए। तो उसके कुछ 10-15 मिनट बाद ऐसी बारिश स्टार्ट हुई, दैट वॉज आर सीजन फर्स्ट ट्रेन ओवर देयर तो उस साल की। और हम लोग बहुत खुश थे कि हमें एक साथ फर्स्ट ट्रेन ऑफ द सीजन एक्सपीरियंस करने मिल रही है, तो हम लोग थोड़े बाहर निकल के एंजॉय कर रहे थे। वी डिडंट नो दिस रेन वॉज गोना बी सो मच वर्स कि मतलब वो इतने ज़्यादा बरसने वाला है, क्योंकि आफ्टर एन आर उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई थी, जोर जोर से गिर रहे थे एंड नेटवर्क्स चले गए थे, सारी चीज़ें गायब। मामा जो निकल चुके थे, हम लोगों को उनका टेंशन था कि वो पहुँचे या नहीं उनके घर पे। तो वी वर ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली कनेक्ट इन, क्योंकि उनके घर से बोल रहे थे कि नहीं पहुँचे एंड उनका फ़ोन नहीं लग रहा। तो वी वर स्कैर्ड इंटरनली कि यार बेचारे हमें छोड़ने आ गए और खुद ही ना फंस जाए इस बारिश के चक्कर में। बट देन आफ्टर लाइक कुछ अराउंड 1.5 आवर उनका कॉल बैक आया कि वी रीच सेफली। सो वी वर लाइक खुश, थैंक गॉड वो पहुँच गए। तो हम लोग वो एंजॉय कर रहे थे उसके बाद, टेंशन फ्री होने के बाद। उसके बाद नाना ने हमें बोला कुछ, शाम की 6:30-7 o'clock हो चुके थे। नाना वॉज लाइक, नाना इज लाइक उस मेरी फ्रेंड के नाना ही थे कि अभी घर के अंदर आ जाओ, इट्स टू लेट, वी नीड टू क्लोज द डोर, अभी धीरे धीरे बनो। तो हम लोग आ गए और हम लोगों ने डोर्स एंड ऑल सब बंद कर लिया, लाइट्स चले गए थे गाइस। तो घर पे अंधेरा था, सब जगह कैंडल्स एंड ऑल लगाए थे, दिया जलाए थे एंड हम लोग बैठ के पत्ते खेलने का सोच रहे थे कार्ड्स। बट अपेरेंटली थोड़ी देर बाद लाइट्स भी नहीं थे, अंधेरा हो गया, तो कार्ड्स खेलना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, बहुत कम। लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सर्कल करके बैठे थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक दूसरे के बारे में, क्या चीज़ मुझे इसके बारे में पसंद है या क्या नहीं पसंद है, वो एक दूसरे को बताएंगे हम लोग टर्न बाय टर्न। तो सब लोग बोल रहे थे, फिर थोड़े टाइम बाद हॉरर स्टोरीज चालू हो गए, एक एक करके सब लोग बताने लग गए एक दूसरे को। इट वॉज टिपिकल मूवी वाला सीन है, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था ऐसे कुछ हो भी सकता है रियलिटी में। तो हम लोग, एक अंधेरा है, इमेजिन एक कैंडल है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दीमक दीमक उजाला है, नाना नानी है और गाँव का घर है, और गाँव भी बड़ा ऐसा है जहाँ पे 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकला था, सबके घर बंद थे और बारिश हो रही है, बहुत बेकार बारिश हो रही है। सो इमेजिन दिस सीन, अगर ये मूवी में होता तो एग्जैक्टली द सेम वहाँ चल रहा था हमारे साथ। सो हम लोग एक दूसरे को हॉरर स्टोरी टर्न बाय टर्न बता रहे थे। उसके बाद मेरे बाजू में बैठी थी मेरी फ्रेंड कोमल मगर, तो शी वाज सिटिंग राइट देयर, उसका टर्न था कुछ बोलने का। सो अंधेरे में मुझे दिख नहीं रही है वो ठीक से, नहीं किसी को हम एक दूसरे को हमारा फेस वेस ठीक से नहीं दिख रहा, बट आई नो शी सिटिंग देयर। मैं लाइक कोमल बोल, शी इज क्वाइट, शी केप्ट क्वाइट, कुछ नहीं बोल रही है। कोमल आर यू देयर, वी वाज स्केयर्ड अलॉट कि ऑलरेडी हम लोग भूतों की स्टोरी, लाइक भूत की स्टोरी एक दूसरे को बता रहे हैं हॉरर स्टोरीज, और उसमें अचानक से समबडी फ्रॉम योर ग्रुप हु यू नो इज सिटिंग बिसाइड यू एंड सडनली दैट पर्सन शट्स, डजंट से एनीथिंग, यू विल स्केयर द हेल आउट ऑफ योर सेल्फ, लाइक यू गेट स्केयर द हेल आउट ऑफ योर सेल्फ, दैट्स वॉट एग्जैक्टली हैपेंड। एंड शी वॉज सिटिंग राइट बिसाइड मी, शी इज सेइंग नथिंग, आई एम लाइक कोमल आर यू देयर, से समथिंग, सी समथिंग, सडनली देयर कम दिस नॉइज एंड शी डायरेक्टली जंप्स ऑन ऑल ऑफ अस।
बेसिकली कुछ हुआ नहीं था, वो मस्ती कर रही थी बट हंस के वो आ गई हम पे, हम लोग आग चला रहे क्या हो गया। ऑब्वियसली इट इज सो ऑब्वियस टू गेट स्केयर्ड क्योंकि माहौल वैसा बन चुका है और तुम लोग एक दोस्त आके धड़ाप से तुम्हारे ऊपर तुम लोग ऑलरेडी क्या क्या ख्याल आ रहे क्योंकि वो बात नहीं करे तुम्हारे दिमाग में और वो आके जंप करे तुम पे। एंड देन हम लोगों ने उसको बहुत पीटा। उसके बाद नानी वाज लाइक कि चलो चलो खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। उधर कैसे है ना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती है, ऑलमोस्ट 8:30 या 9 o'clock को फीवर ऑन आर बेड्स। खाना वाना खा के हम लोग बिस्तर पे थे, हमें तो इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। नानी नाना मस्त मिस हो गया, नानी वाज स्लीपिंग विद अस बट वो बेड पे थे और हम लोग नीचे सोए थे एंड नाना वाज इन अनदर। सो आई विल टेल यू द इंटीरियर पार्ट कि कैसा घर था उनका। तो ये एक ब्लूप्रिंट है जो मैंने रेडी की है आप लोगों को उनके घर का इंटीरियर समझाने के लिए। सो ये घर का एंट्रेंस था, उस एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे बेड था और यहाँ से सीधा जाओ तो राइट हैंड साइड पे एक दूसरा रूम है एंड सीधे जाओ तो यहाँ पे किचन एरिया होगा। ये किचन एरिया का एंट्रेंस है और यहाँ पे नानी सोए थे, इधर मंदिर था हमारे ऊपर जहाँ हम सोए थे नीचे, यहाँ पे एक मंदिर था एंड कोमल यहाँ सोई थी, सृष्टि यहाँ सोई थी, यहाँ पे जट्टा, यहाँ पे प्रिया और यहाँ एंड में मैं सोई थी मंदिर के पास। एंड नाना आई थिंक सो इन दिस रूम कहीं पे, पता नहीं है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, बट नाना वाज समवेयर इन अनदर रूम, ही वाजंट स्लीपिंग विद अस। सो दिस इज द इंटीरियर। सो नानी तो सो गए थे ऑलमोस्ट अराउंड बाय 9 PM, शी वाज लूज लाइक अपने गहरी नींद में चले गए थे एंड वी वर लाइक कि यार अभी क्या करना है, मतलब हमें तो इतना जल्दी भी जल्दी सोने की आदत नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, लोनार सरोवर में हमने ऑलमोस्ट 100-150-200 पिक्चर्स निकाली थी। तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग ये फोटोज एंजॉय करते हैं। तब तक गाइस लाइट नहीं आई थी, मौसम बड़ा ठंडा था, बाहर कंटिन्यूसली बारिश चल रही थी, वो छत पे जो पानी थप थप गिर रहा था उससे तो समझ ही रहा था कि बारिश कितनी जोर से चल रही है। एंड तो पंखे की ज़रूरत भी नहीं थी तो हम लोग सोए थे एंड अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दिए चले उसी का उजाला होगा कहीं तो, अदरवाइज पूरा अंधेरा। तो हम लोग ने फ़ोन चालू किया, फ़ोन से फोटोज़ देख रहे एंड हम लोग एक एक को ना ट्रोल कर रहे थे फ़ोटोज़ देख के जूम कर करके। सो जब ट्रोल किया सबको, एक दूसरे को बहुत ट्रोल किया, बहुत मस्ती। सो नाउ जब ये सब चल रहा है, हम लोग मज़े कर रहे हैं ना, मेरे को ना अंदर से कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग आ रही थी कि कोई तो हमें देख रहा है। एज इन कंप्लीट अंधेरा है और हमारे ऊपर जो फ्लोर था, लेट मी शो यू इन दिस ब्लूप्रिंट, पता नहीं होगा वो तो ये जो हम सोए हैं और हमारे ऊपर जो किचन का एंट्रेंस है अगर आपको दिख रहा होगा तो, मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लगे जा रहा था कि वहाँ से कोई कॉन्स्टेंटली हमें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बट देन आई डिडंट से दिस टू एनीवन बिकॉज मेरे को कभी कभी ऐसे अंधेरे में होता है, आई गेट स्केयर्ड एंड देन आई गेट फील कि यार यहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, सो बट दैट इज द थिंग हैपनिंग विद मी। तो मैंने सोचा कि कुछ तो भ्रम हो रहा है, सो लेट्स जस्ट इग्नोर एंड एंजॉय द मोमेंट। फिर मैं मस्ती में लग गई, फिर इन लोगों के साथ मस्ती कर रही हूँ, बट कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग समवेयर मेरे को चल रही थी और मैं ना धीरे धीरे देख भी रही थी बट अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। सो इतनी सारी मस्ती करते करते कुछ 11:15 हो चुके थे एंड देन सृष्टि वॉज लाइक गाइस बस हो गया अभी, कल अपने को जल्दी उठ के निकलना है, दूसरी जगह जाना है, तो अभी सो जाते हैं। तो लाइक हाँ ठीक है चलो बंद करते थे और सो जाते हैं। तो आई एम सॉरी, तो बंद किया उसने, ये वो बकवास की 2-5 मिनट सबको गुड नाइट बोला, फोन रख दिया, सब चुप हो गए और सोने जा रहे थे। एज सून एज हमारी मस्ती बंद हो गई, एज सून एज सब शांत हो गए, देयर कम्स अ नॉइज एग्जैक्टली फ्रॉम दैट किचन का एंट्रेंस, इतना गंदा कि हम सब ने सुना। ओके सो कैसे सो रहे थे हम लोग, यू नो कोमल, फिर सृष्टि, फिर जट्टा, फिर पिगे एंड देन मी। सो जट्टे के उस साइड जो थे सृष्टि एंड कोमल, हमें लगा कि उन लोगों ने आवाज़ निकाली मस्ती में डराने के लिए जो कोमल ने पहले की थी, और उन लोगों को लगा कि मैं पिगे यहाँ से मस्ती कर रहे हैं उनको डराने के लिए, मैं पिगे जट्टा। सो सृष्टि बस लाइक जट्टा फालतू गिरी बंद कर दे, लेट्स स्लीप, कल जल्दी उठना है, बस ना मत करना। हमको लगा कि मजाक कर रहे हैं हमको डराने के लिए, तो हम लोगों ने सब लोगों ने इग्नोर किया वो वाला थी। ठीक है सेकेंड टाइम
वापस चुप हो गए. As soon as पूरा पिन ड्रॉप था ना, वो गंदी सी आवाज़. I can't even explain to you guys क्या आवाज़ थी. I don't know, बहुत ही अजीब. तो ये तो कोई अलग लैंग्वेज में हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है. इट वॉज एकदम डिफरेंट. सुनल ये हो गया ना, थाप करके कोमल उठ के इस साइड आ गई, उड़ी मार के झटकिया मेरे पे आ गई, पी गया. हम लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं एकदम कौन है करके. हमको रियलाइज हो गया दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट. सो हमारे आवाज़ से नानी भी उठ गए. नानी ने क्या हो गया, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, ये क्यों, वो क्यों. एंड नानी उठने के पहले मेरे को एक चीज़ बतानी, शायद हम लोगों को भी फनी लगे, हमें भी फनी लगती, हम लोग उस चीज़ से हंसते हैं, बट तभी वी वर लाइक लिटरली स्केयर, इसीलिए वो चीज़ हो रही थी. सो जटिया वॉज वेरिंग शॉर्ट्स एंड शी इज़ लाइक मेरे पैर पे चद्दर डालो. भाई मेरा पैर पकड़ लेगा कोई तो अगेन. आई वॉज लाइक तू तेरे बाल बांध. यू नो इफ यू आर एन इंडियन यू माइट नो दिस, इफ यू आर फ्रॉम अ टिपिकल फैमिली यू माइट हैव यू नो रेज बाई सेइंग कि अगर बाल खुले रखते तो बहुत पीछे लगता है. सो आई वॉज लाइक मे सब भी सिंह मैंने आई वॉज लाइक कि तू बाल बांध दे पहले जटिया, प्लीज ट्राई योर. सब लड़कियाँ बाल बांध रहे, क्राइंग लाइक एनी वे. मेरे दिमाग में ना ये चल रहा है कि ये तो बड़ा भूत मूवी वाला सीन हो गया, अभी एग्जैक्टली वैसे ही होने वाली है. अभी हम लोग में से एक एक करके मर जाएगा और कोई नहीं बचने वाला, या फिर कोई एक जन बचेगा वही आगे जाके सबके फैमिलीज को बताएगा कि सॉरी कोई बच नहीं पाया, सारे उस भूतिया इंसिडेंट में मर गए. ये मेरे पता नहीं यार, एक तो एक मैं इतनी ज़्यादा फिल्मी हूँ नहीं, बट ये थॉट मूवी वाला मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है, और मैं उस चीज़ को लेके रोए जा रही हूँ तभी कि बचाओ बचाओ मुझे बचना है, मुझे नहीं मरना है करके स्टूपिड थिंग. एंड नानी उठ गई. नानी ने तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग क्यों चला. हम लोगों ने नानी कोई तो है, कोई तो बहुत बहुत मतलब ये कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, हमसे नहीं सहा जा रहा करके. तो नानी इज लाइक कि कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, इतना उसमें डरने का क्या, तुम लोग गपचुप से सो जाओ, मुंगू झुंगू होगा पीछे वो आवाज़ निकाल रहा होगा. बट गाइस हमें सिर्फ पता है हम पांच लोगों को कि वो चीज़ क्या थी या वो आवाज़ क्या थी. आज तक हमसे कोई कनेक्ट नहीं कर पाए शायद उस चीज़ को लेके, शायद बोले वहम है तुम्हारा या मुंगूस था या जो भी था, बट वी सीरियसली नो कि वो हमने क्या एक्सपीरियंस किया है आज तक रॉन्ग टेक. हमने नानी को बहुत एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि नानी कुछ तो अलग है करके. तो हमने एक बोला कि नानी लेट्स डू वन थिंग, सब चुप हो जाते हैं, आप भी चुप हो जाओ, देखो वो आवाज़ वापस आ जाएगी जैसे हम लोग चुप हो जाएंगे. तो नानी बोली ठीक है. तो हम लोग सब लोग चुप हो गए एंड वो आवाज़ वापस आई गाइस. लिटरली वो क्रीपी साउंड वापस आया जैसे ही हम चुप हो गए, जैसे कोई हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, उसे मज़ा आ रहा है कि हम पे कोई विश्वास नहीं. एक बार सो क्रीपी लाइक कोई टीज कर रहा है. शिट मैन आई जस्ट कांट, आई मीन अभी भी सुनिए मेरे को वो वाले चीज़ याद आती है ना, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू यू ऑल. एंड वो साउंड हमें आया बट नानी को नहीं सुनाई दिया. नानी लाइक कहाँ है आवाज़, अब सिर्फ हम पांच लोगों को सुनाई दे रही, उन्हें नहीं सुनाई दी. और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नानी लाइक उसमें क्या हो गया, एक रात को मैं उठी थी, मुझे वो जला हुआ इंसान कोई तो सामने दिखा. लाइक नानी स्टॉप इट ऑलरेडी, वी आर स्केयर्ड एंड यू आर स्केयरिंग द हेल आउट ऑफ अस. उससे भी ज़्यादा बता रहे हो आप डेंजर, जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे भी ज़्यादा चीज़ें डेंजर बता रहे हो आप. हम लोग नहीं बताओ नहीं बताओ. सो फिर नाना भी उठ के आया उसके बाद. एंड नाना मैं तो रोई जा रही थी एंड दिस वर लाइक दिस गर्ल्स वर लाइक डोंट वरी कुछ नहीं होगा, ये वो ठीक है सब कुछ ऐसा वैसा. एंड नाना आए, फिर नाना ने हमको थोड़ा ये दिया कि कुछ नहीं होगा डोंट वरी. और नाना फिर भजन गाने लग गए, भजन गाए जा रहे थे और वो गाते मेरे को स्पेशली क्योंकि आई वॉज वेरी मच केयर. तो सब लोगों ने मेरे को बोला कि पहले इसको सोने दो उसके बाद सब सुख जाएंगे. तो भजन गाए जा रहे थे और उसी भजन के चक्कर में मेरे को नींद लग गई. उसके बाद ये लोग कब सोए मुझे नहीं पता, बट अचानक से इन द मिडल ऑफ द नाइट मैं जाग जाती हूँ बट मैं आंखें नहीं खोल पाती क्योंकि समवेयर इन बैक ऑफ माय माइंड आई एम स्टिल स्केयर, मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं गई है. सब लोग ऑलरेडी सो चुके हैं एंड आई नो कि सब लोग सो चुके हैं एंड मैं आंखें नहीं खोल पाती क्योंकि आई एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस थिंग कि देयर इज समबडी. मुझे नहीं पता अभी ये मेरा वहम था बिकॉज मेरे दिमाग में था या नहीं, बट मेरे आंखों पे बहुत उजाला आ रहा है. कोई लिटरली ऐसे टॉर्च लेके मेरे आंखों पे मार के हुए बैठा है, ऐसे ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही थी. मेरे आंखों पे लाइट आ रही थी, मैं
सुन पा, मतलब आई कैन फील दैट, वो दिखता है ना आँख बंद होते हुए तुम्हारे आँखों पे लाइट मारे तो तुम्हें समझता है कि कोई तो लाइट मारे, लिटरली दैट मीन चक्कर में लाइट आई मीन आँखें नहीं खोल पा रही थी, तो बस ऑन टॉप ऑफ द लाइट्स नहीं आए थे गाइस, लाइट्स बंद चले गए थे, बारिश तभी भी चालू थी और लाइट नहीं आए थे, तो मैंने टर्न की मेरे दूसरे साइड जहाँ पे पी गया थी ना हग डर टाइप, एंड मैं भगवान का नाम लिए जा रही थी और मैंने आँखें धीमे से खोली बिकॉज आई वॉज एबल टू हियर समथिंग, एंड दैट समथिंग वॉज माई फ्रेंड जट्या, उस साइड जो सोई थी जिसमें कोई तो है यहाँ पे, एंड नींद में है बंदी और अपना हाथ ऐसे 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 इस साइड से उस साइड घुमा रही है, उससे तो मैं और भी ज़्यादा फट गई और मैंने जो आग बन करके भगवान का नाम लेना शुरू किया और धीरे ही सुबह उठी, तभी उनको थोड़ा बुखार था, मैंने घर पे फ़ोन करके बताया, मेरी मम्मी डर गई थी, बोली वापस आ घर पे, तुझे वापस कहीं नहीं भेज रही मैं, एंड फिर नेक्स्ट दिन पूरे गांव में पता चल गया था ये सीन और सब लोग हमें आके चिढ़ा रहे थे कि तुम लोग शहर वाले लोग हो, कुछ भी डरते हो तो मुंगूस का आवाज़ होगा, और बहुत मज़ाक उड़ाया गया हमारा, बट हम लोग हंसे उस चीज़ पे उन लोगों के साथ, बट हमें ही पता है हमने क्या एक्सपीरियंस किया, शायद तुम लोगों को भी ये फनी लगे या लगे कि वहम था ये बकवास है या जो भी है, बट ओनली मी नो माई फ्रेंड्स कुड रिलेट टू दिस थिंग फॉर श्योर, एंड कुछ वैसा ही माहौल अभी बन चुका है बाहर मेरे घर पे नहीं था, मेरे घर पे सब ठीक है, लाइट भी है, हम भी सेफ है, सारी चीज़ें ठीक है, बट बाहर वैसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन हो चुकी है जब मतलब तभी जब जस्ट आई एम जस्ट फम्बलिंग बिकॉज ऑफ दिस होल सिनेरियो एंड यू नो नॉस्टैल्जिया, सो तभी जो सिचुएशन थी बाहर वैसी ही अभी हो चुकी है, बारिश विंड्स एंड स्टफ, तो मैंने मेरे को वो सीन याद आया एंड मैंने सोचा आई जस्ट कम हियर एंड शेयर विद यू गाइस एंड हेंस दिस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग गाइस, एंड मेरे को एक और चीज़ बतानी है आप लोगों को कि देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर ब्लेमिंग 2020 फॉर द करंट सिचुएशन लाइक कोरोना से कोरोना फॉर दैट मैटर एंड देन लोकस्ट अटैक एंड एवरीथिंग, या एवरीथिंग अराउंड दैट्स माई ब्रदर बाय द वे, सो बट Do you really think it's 2020? I mean, yeah, or is it us? Obviously, it's us who is responsible for all this situation around. What's the point in blaming 2020 for this situation? ये तो बात वही हुई ना यार, जब खुद पे आती हो तुम दूसरे पे ढकेल के ये हो जाते हो, तुम लोग 2020 को ब्लेम कर रहे हो, बट गाइस, it's us who is responsible for whatever that is going around with us. Since I've been reading Bhagavad Gita a long time ago, मतलब मेरा कंप्लीट नहीं हो गया, बहुत स्लो हूँ मैं उस चीज़ पर, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें मुझे ये उस चीज़ से सीखने मिली है कि शायद मैं भी कभी 2020 को ब्लेम कर रही थी, बट मैं वो पढ़ते पढ़ते सीख चुकी हूँ कि नहीं यार, वॉट एवर थिंग्स हैपन्स अराउंड अस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक फॉर द सिचुएशन गोइंग ऑन अराउंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो लेट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट्स try to change the situation, try to change our mistakes and I mean fix our mistakes and correct everything around, so that's what we need to do, and for now we need to stay home and stay safe. That's it for this vlog guys, I hope you have enjoyed this vlog, and if you have such kind of horror experiences in your life, I would like to hear from you guys, let me know, comment down below your experiences, and that's it for this vlog. I hope you like this vlog and do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel at She's Expression, and do not forget to follow me on Instagram She's Expression. I'll see you guys soon with some more vlogs, interesting vlogs, fun vlogs with my family or my brother, whoever you like the most. I think so, it's my brother that you like the most, or maybe my mother, or maybe my auntie. You will see all of them in my vlog some or the other day. So that's it for this vlog guys, see you guys soon, bye. तुम लोगों को बोल रही हूँ कॉफ़ी का टाइम, कॉफ़ी का टाइम, तुम लोग सोचो तो इतना टाइम ये बारिश हो रही है इतनी मस्त वाली और ये बंदी स्टोरी सुना रही है और कॉफ़ी क्यों नहीं पी रही है, तो कॉफ़ी पी गाइस, इट्स जस्ट दैट मैंने दिखाई नहीं थी और मेरी ख़त्म भी हो चुकी है पी के, तो स्टोरी बताते बताते कॉफ़ी का मज़ा भी ले लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कॉफ़ी नहीं पी, तो कॉफ़ी पी।